आगे नमस्कार। शहर टॉकीज के पेज पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम अपना कार्यक्रम गपास्टिक आपके बीच लेकर आ रहे हैं फिर से, और इस बार साहित्य के क्षेत्र से हमने एक बहुत ही उम्दा कवि आलोचक, अब तो वो कहानियां भी लिखते हैं और डायरीज भी लिखते हैं, बहुत सारी चीजों में उनका दखल है, ऐसे एक आदमी को अपने बीच आपके लिए बुलाया है जिनसे हम उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, उनकी रचनाएं सुनेंगे भी। हिंदी में आमतौर पे प्रचलन है कि जब हम किसी का परिचय देते हैं तो कहाँ से आया है, उन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन कौन से पुरस्कार बटोरे हैं और कहाँ कहाँ की यात्राएं की हैं, ये जो है बहुत ही कॉमन ये रहता है परिचय में। मैं उसको छोड़ देना चाहता हूं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये नाम ऐसा है जिसके बारे में इस तरह के किसी परिचय का की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। हाँ, जिसे एक विशेष लोभ के कारण मैंने उनको बुलाया है इस सेशन में आपके बीच में, तो उस वो जो परिचय है उनका मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण परिचय है। तो वही एक चीज मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो है उनकी एक कविता, उससे मैं आपको इनका परिचय मिलेगा। धूप किताबों के ऊपर है या भीतर कहीं उसमें, धूप किताबों के ऊपर है या भीतर कहीं उसमें, कहना मुश्किल है इस समय। इस समय मुश्किल है कहना कि किताबें नहा रही हैं धूप में या धूप किताबों में। इस समय मुश्किल है कहना कि किताबें नहा रही हैं धूप में या धूप किताबों में, पर यह देखना और महसूस ना नहीं मुश्किल कि मुस्कुरा रही हैं किताबें धूप की तरह, कि मुस्कुरा रही हैं किताबें धूप की तरह और धूप गर्मा रही है किताबों की तरह। तो ये जो परिचय है एक रचनाकार का, ये सबसे बड़ा परिचय है कि उनका लिखा कुछ हमें इतना भीतर तक छू जाता है कि हम उसे याद करते हैं, उसे गुनगुनाते हैं, उसे बोलते हैं, उसे लिखते पढ़ते हैं उनसे दूर होते हुए भी। और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, और यही वो खूबसूरती है जिसको हम लोगों को बचाए रखने की जरूरत है और जिसके लिए लड़ना भी है, कि कोई गोरखपुर से उठकर दिल्ली तक पहुंच सकता है, कोई बीड़ से निकल के भी दिल्ली तक पहुंच सकता है, अपनी जगह बना सकता है। यह तभी संभव है जब भारत में लोकतंत्र हो और आगे भी कायम रहे और हमारे बीच एक रिश्ता बन सकता है। तो ये जो रिश्ता है, कोई महाराष्ट्र से बीड़ से उठकर आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई पटना से या नालंदा से उठ के आया है, कोई चंडीगढ़ से उठ के आया है, ये हम तमाम लोग जो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने अपने जीवन में थोड़े से मुकाम हमने अर्जित किए हैं, बनाए हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, नाटक क्षेत्र में हो या अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में हो, ये सब हमारे लोकतंत्र की वजह से है। तो उसी लोकतांत्रिक ये का इस्तेमाल करते हुए आज ये गपास्टिक आप लोगों के बीच है और उसको मजबूत करने के लिए है जिसकी बहुत जरूरत है। तो जितेंद्र श्रीवास्तव जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं शहर के पेज पे, और उनसे बात धन्यवाद। करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है शिवदत्त बावलकर जी का, जो महाराष्ट्र से आते हैं, फिलहाल पुणे में रहते हैं, SNDT कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत बहुत हिंदी के अध्यापक हैं, मराठी पृष्ठभूमि से आकर हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में सृजना करते हैं, और विनोद कुमार शुक्ल के ऊपर बहुत अच्छा काम है इनका और उनके उपन्यासों के ऊपर जो प्रकाशित भी है, खुद भी कविताएं लिखते हैं। और अद्भुत बात यह है कि शिवाजी सिम सिम ने जितेंद्र जी के अंदर में ही अपनी PhD कंप्लीट की है, तो आप दोनों जो है पोस्ट डॉक्टरल भी किया है पोस्ट डॉक्टरेट सर भी के किया निर्देशन में। है, तो एक दूसरे से परिचित भी हैं, और गपास्टिक का हमारा ये भी रहता है, कोशिश ये रहती है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो एक दूसरे से बात करने में सहज हो, ताकि गप जैसी शैली बातचीत में आ जा आ पाए, एक ऑफिशियल सवाल जवाब का ढर्रा ना रहे। तो अब मंच आप लोगों के हवाले है और मैं यहाँ पे उपस्थित रहूंगा पूरे बातचीत के दौरान, सुनता हुआ, और कभी बीच में जरूरत पड़ी तो कुछ सवाल अगर जीवन में आया तो आपसे पूछता हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत जी शिवा धन्यवाद भाई। सुजय जी, जी। नमस्कार। गपास्टिक नए सर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं मेरे ही गुरुवर आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी से बातचीत करने वाला हूँ, उनसे संवाद करने वाला हूँ। जीवन में बहुत कुछ सीखा है तो उन्हीं से सीखा है, थोड़ा बहुत लिखा है तो उन्हीं के प्रेरणा से लिखा है, और बहुत कुछ लिखने के
इसमें तो नहीं रहता हूँ, स्थिति में नहीं रहता हूँ, लेकिन गुरु मार्गदर्शन रहता है, उनके साथ एक लंबा समय बिताया हुआ है। तो मैं आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव सर जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सर के साथ समकालीन हिंदी कविता के संदर्भ में कुछ बातचीत करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जितेंद्र सर समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। कविता ही नहीं बल्कि कहानी और संस्मरण तथा डायरी और आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। और उन्होंने जो लेखन किया है वह एक महत्वपूर्ण उम्मीद का लेखन है, विश्वास का लेखन है। और वह विश्वास का लेखन जैसे शुरू होता है तो मुझे याद आती है सर की वो पंक्तियाँ, काँप रहा है दिन और धूप भी पी रही है, न जाने कौन ऋतु आई है। ये इस तरह की 1990 के आसपास कविताएं लिखना शुरू की थी सर ने। और उन्हीं दिनों उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी थी जो मुझे आज भी प्रासंगिक लगती है, और वह कायांतरण से वो एक कविता है, उसको भी मैं आरंभ में ही शुरू करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने पाठकों से और सर से भी, शायद सर के दिमाग में भी वह तारीख याद होगी। बस एक दो दिन का अंतर है, लेकिन ये कविता का शीर्षक है कि दुनिया बदलने के लिए। आप लोगों को याद नहीं रहती 23 मार्च जैसी तारीखें, हम सब लोग जानते हैं कि 21 तारीख के बाद क्या हुआ है, 21 मार्च के बाद। तो 23 मार्च जैसी तारीखें आप लोगों को याद नहीं रहती, 23 मार्च जैसी तारीखें अब अवसर याद रहता है, सुविधाएं याद रहती है, समाचारों में जिक्र आता है तो याद आते हैं मुक्ति के पुरखे। समाचारों में जिक्र आता है तो याद आते हैं मुक्ति के पुरखे, और चाहे खत्म होते होते लौट दिए जाते हैं कैलेंडरों में, हमारे समय में जो लोग शिद्दत से याद करते हैं मुक्ति के शिल्पकारों दार्शनिकों को, उन्हें सनकी करार दिया जाता है। अवसरवाद की आंधी में पिछड़े और अप्रासंगिक बताए बताए जाते हैं ऐसे लोग, पर हारते नहीं है वे, पर हारते नहीं है वे, उनका न हारना आता है बहुत से लोगों को, पर कुछ लोग उम्मीद से देखते हैं उनकी ओर, क्योंकि वे जानते हैं दुनिया को बदलने के लिए भीड़ की नहीं, विचारों और हौसलों की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि ये जो भीड़, दुनिया को बदलने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, विचारों और हौसलों की जरूरत होती है। यह जो हौसला और विचार जो है वह जितेंद्र सर की कविताओं में हम लोगों को दिखाई देता है, और बार बार वह नई पीढ़ी के लिए एक उम्मीद पूर्ण मार्ग है। गंभीर और मार्मिक कविताएं वे लिखते ही हैं, आलोचना के क्षेत्र में भी एक मुकम्मल मुकम्मल लेखन उनका आया हुआ है। तो मैं सर से बातचीत शुरू करने के दौर में आरंभ में ही सर से एक, मतलब जो आमतौर पर बात पूछी जाती है, तो मैं उनको पहले पूछना चाहता हूँ कि सर, आपने 1990 के दौर से हिंदी कविता को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आपकी जो कविताएं हैं, आपकी कविताओं का जो लेखन है, वह आरंभिक रूप में किस परिवेश और किस तरह की प्रेरणाओं में फला फूला है, और आपकी पहली रचना कौन सी है, तो उसे हम हमें अवगत कराइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शिवदत्त। बड़ी प्रशंसा हुई, और आप सब हमारे अपने हैं। हम सब एक समाज हैं। अब आप हमारे विद्यार्थी रहे हैं, अब शिक्षक हैं, और मित्र हैं। मित्र जैसे हैं, हमारे अपने रिश्ते हैं, मृत्युंजय भी मित्र हैं। सब लोग यहाँ जो हैं मित्र ही हैं। हमारा एक परिवार है, साहित्य का यह बृहत्तर परिवार है, और बहुत अच्छा लग रहा है आज सचमुच। गपास्टिक नाम भी बहुत अच्छा है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम भी बहुत अच्छा है, सहर बने सवेरा। और जहाँ सवेरे का जिक्र हो, जहाँ सुबह की उम्मीद हो, वहाँ क्या कहना है। यही तो जीवन में हम सब कभी चाहते जी हैं कि सवेरा हो, और मतलब सुबह हो, और वो नई सुबह हो, और वो नई सुबह जी हो, नई सुबह हो। और नई सुबह का मतलब वही जिसके लिए मृत्युंजय कह रहे थे कि यह लोकतंत्र में ही संभव है कि कोई कहीं से उठकर अपने को स्थापित करे अपनी प्रतिभा के बल पर, उसे किसी और कारणों की जरूरत न पड़े। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सुदूर उत्तर प्रदेश के, मतलब कह सकते हैं सुदूर पूरब से, गोरखपुर देवरिया से चलकर मैं यहाँ तक आया। आप शुदत, आप जानते भी हैं इस बात को, बहुत सारे लोग जानते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।
आरंभिक जो जीवन है जी मेरा वो गांव में गुजरा, अपने जो रुद्रपुर देवरिया जिले में मेरा गांव है, सिलहटा नाम का, जहां मैं नाना और नानी के साथ रहा। मेरी माँ इकलौती संतान है अपने माता पिता की, तो वहां भी हम लोग रहते थे। तो मेरा मेरी परवरिश एक तरह से ननिहाल में हुई। नाना बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हम मतलब औपनिवेशिक काल में पढ़ाई लिखाई की थी, और अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत, हिंदी तो खैर जानते ही थे, वे विद्वान थे। मेरे पिता भी इसी तरह से बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, और शिक्षक थे पिता, लेकिन किसान का भी जीवन था। नाना किसान थे इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी। एक परिवेश जो था कि नवोन्मेष करने वाले किसान लोग थे, नए ढंग से सोचने समझने वाले लोग थे। और हमारे मेरे जो नाना थे उन दिनों वो रामचरित मानस को बहुत गहराई से पढ़ते थे और समझाते थे, और बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत देर में समझ में आई उस समय जब वो समझाते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि विचारधारा और तमाम चीजों को छोड़ दें तो कविता का एक शऊर तो वहां मुझे मिला ही था। पिताजी का विश्वास तमाम अग्रगामी विचारों में था, और वो सारा साहित्य हमारे घर में उपलब्ध था। महात्मा गांधी का साहित्य, डॉक्टर लोहिया का साहित्य, डॉक्टर अंबेडकर की भी कुछ किताबें हमारे घर में थी, मार्क्सवाद की भी कुछ किताबें हमारे घर में थी। तो एक पूरा भरा पूरा परिवेश कह सकते हैं पढ़ने लिखने का था। पत्रिकाएं, उस दौर की जो साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी वो आती थी, हमें हम लोगों को मिलती थी। तो ऐसे परिवेश में मैं बड़ा हुआ, और मुझे लगता है कि कविता का संस्कार तो वही मिला कि बहुत डूब कर नाना जब मानस पढ़ते और एक तरह से समझाते थे, वो भक्ति भाव से नहीं पढ़ते थे उसको, और कविता की तरह पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका एक असर हुआ, उसी का असर हुआ कि बाद में बहुत आलोचनात्मक विवेक के साथ कविता को देखने का कह सकते हैं शऊर भी मेरे भीतर पैदा हुआ कि कविता को एक आलोचनात्मक विवेक के साथ देखना चाहिए, जाना चाहिए वहां पर। तो वहां चली, गांव का परिवेश था, लोकगीतों से भरा हुआ समाज था वो, जी चाहे वो सोहनी का समय हो जिस समय निराई होती है, या रोपिया का समय हो, तमाम तरह के लोकगीत हमने देखे। गांव में रहते हुए हमने कई तरह की कलाएं देखी, नौटंकी शैली देखी, अलग अलग जाति समूहों के जो नृत्य शैलियां थी वो देखी। अब धीरे धीरे वो खत्म हो गई हैं, चीजें जी हैं, कहीं ना कहीं वहां से मुझे कला और साहित्य के संस्कार मिले, घर के बाहर भी, घर के बाहर भी। और यह मतलब कह सकते हैं कि मतलब पूरे घर का माहौल पढ़ने लिखने का माहौल। हाँ, मेरे घर में कोई कविता तो नहीं लिखता था, मेरे घर में कोई कविता तो नहीं लिखता था, जी खैर कविताएं तो जी मैंने सर ही लिखी पहली बार, लेकिन इन सब का बहुत असर रहा। माँ के गीतों का, नानी के गीतों का, जो हमारा ग्रामीण समाज था उनका, और मेरे पिता बहुत ही प्रगतिशील स्वभाव के व्यक्ति रहे, तो तमाम जो लोग वंचना का जीवन जी रहे थे उनके साथ पिता का तादाद में बहुत गहरा था, मेरे पिता का, मेरे नाना का भी। तो वहां से भी मुझे जीवन को देखने का एक शायद शऊर मिला। और यह कारण नहीं है कि 1986 में जब मैं बहुत छोटा था, मेरी पहली कविता एक अखबार में छपी, उस दौर में बहुत छोटी सी कविता है, हिमपात, और शायद आपको इससे अनुमान लगेगा कि जो परिवेश मेरे नाना ने, मेरी नानी ने, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने, और मेरे उस गांव ने, मेरे मित्रों ने जो दिया, और जो संस्कार, जो दृष्टि दी, वो किस ढंग की थी कि 12-14 वर्ष का एक कह सकते हैं किशोर हो रहा जो लड़का था, उसकी कविता सुनिए, उस दौर की 86 की छोटी सी कविता है, पहली कविता हिमपात, ये मेरी पहली कविता है जो छपी। और भी कविताएं उस दौर में लिखी हैं, अब उपलब्ध नहीं है, जी लेकिन ये उपलब्ध है। गिरने लगी है बर्फ पूस के शुरू होते ही, और लकड़ी के अभाव में बहाई जाने लगी हैं लाशें बिना जलाए ही। गिरने लगी है बर्फ पूस के शुरू होते ही,
और लकड़ी के अभाव में बहाई जाने लगी हैं लाशें बिना जलाए ही। लोग ठकुआए हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, उड़ा गया है उनका विश्वास, न जाने कहाँ है सरकार। उड़ा गया है उनका विश्वास, न जाने कहाँ है सरकार। और इसके बाद गैप रहा, मैं अपनी डायरी में तो कविताएं लिखता रहा, नोटबुक में कविताएं लिखता रहा, लेकिन आपने ठीक लक्ष्य किया कि 1990 के आसपास मेरी कविताएं हिंदी की जो लघु पत्रिकाएं कही जाती हैं उनमें छपने लगी। और वे कविताएं जितेंद्र जीवन पुष्प नाम से छपी। उस समय जो मेरा जी जी नाम था वो जितेंद्र जीवन पुष्प था, और कुछ वर्ष तक इस नाम से मेरी कविताएं 2-3 वर्ष छपती रहीं। फिर मित्रों की सलाह पर लोगों ने कहा कि जब अपना नाम ठीक ठाक है तो उस नाम की क्या जरूरत है। मैंने मान ली बात, हालांकि मुझे वो नाम आज भी बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि सोच समझ के रखा था। और फिर जिस कविता का आपने जिक्र किया, वो छोटी सी कविता भी, वो 91 की कविता है, इन दिनों हाल चाल कांप जी रहा जी है दिन और धूप भी पियराई है, न न जाने जाने कौन सी कौन। दुआई है। उसी के थोड़े बाद में 93 में मैंने गुर्रा नदी, 92-93 में मैंने गुर्रा नदी कविता लिखी, जो मेरे संग्रह में है। और इस तरह से जो कह सकते हैं कछारों का जो जीवन है, नदियां किस तरह से उसको त्रस्त कर देती हैं, कि किसान जीवन की में मतलब उनकी आह में भी नदी है, उनकी वाह में भी नदी है। तो गुर्रा नदी जैसी कविता भी मैंने उस दौर में लिखी। तो एक बहुत प्रगतिशील परिवेश, अग्रगामी परिवेश मुझे मिला अपने घर में, और शायद मैं इसीलिए कवि हो पाया। जी सर, जी सर, जी 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 सुधर यह आप। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने सर, कि जिन दिनों आप कविताएं लिख रहे थे उन दिनों जो कविताएं आपकी आ रही थी वह इतनी गंभीर थी कि गंभीर होने के साथ साथ कविता के भविष्य को एक संभावनाशील बनाने वाली कविताएं उन्हीं दिनों में वो दिखाई देती है। और आरंभिक कविताओं में भी आपका जो स्वर है वह हमेशा दिखाई देता है। और वो बाद के दिनों में वह इन दिनों हालचाल, अनबय कथा, कायांतरण, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर सुंदर, और इधर के दिनों में अगर देखेंगे तो सूरज के अंगूठा तक एक लंबा सफर आपने कविता के क्षेत्र में तय किया है। और मैं देखता हूँ कि लगातार आपकी कविताओं के जो स्रोत है वह दोनों जगह पर, दोनों परिवेश में जुड़े हुए है। और वे परिवेश है, ये गांव का परिवेश भी बार बार आता है और शहर का परिवेश भी बार बार आता है। यानी कि गांव से शहर तक का आपका जो पूरा एक सफर रहा है, गांव से निकलकर पढ़ाई के लिए दिल्ली जैसे शहर तक आना, फिर नौकरी के लिए धारचूला, पिथौरागढ़ जैसी जगह पर जाना, फिर वहां से इंटर कॉलेज और वहां से फिर इग्नू जैसे संस्थान तक का ये जो पूरा सफर है, इस सफर के दौरान आपने जो भी लिखा है वह मुझे लगता है कि बार बार गांव और शहर के बीच का एक पुल बनाने वाला एक रिश्ता है वह। इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपकी कविताएं गांव और शहर के बीच हमेशा आवाजाही करती रही है, और इस तरह की कविताएं सृजित करते समय निश्चय ही मुझे लगता है कि आपने हिंदी कविता के क्षेत्र में जो उन दिनों बड़े नाम थे, बड़े रचनाकार थे, बड़े आलोचक थे, उन लोगों को पढ़ा जिसका जिक्र भी आपने किया है। तो बहुत सारे रचनाकार और आलोचकों को आप बार बार पढ़ते रहे, और आपकी स्मृतियां इतनी मजबूत है, मैं जानता हूं कि उन स्मृतियों में बसे हुए ऐसे कई रचनाकार रहे, ऐसे कई लोक गीतकार रहे जिनको लेकर आपने बहुत सारी प्रेरणा ग्रहण की। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप हमेशा लगातार पढ़ते रहे और आपके प्रिय रहे हैं? बहुत से लोग, मैंने कहा कि वैचारिक, इसको विचारधारा से न जोड़कर देखें तो कविता सीखने के लिए मैं बार बार गोस्वामी तुलसीदास की कविताओं के पास गया कि किसी बात को कहना कैसे चाहिए कि वो बहुत गहराई में चला जाए। विचारधारा का मामला अलग है, वैचारिक सहमतियां असहमतियां अलग हैं, वो हैं। तो सिरहाने जिनको मैं रख सकता हूँ, मिर्ज़ा गालिब मुझे बहुत पसंद है। मिर्ज़ा मतलब मैं तो अलगाता ही नहीं, मैंने बल्कि वो कविता लिखी है जिस पर आप ने पढ़ी होगी, जी वो कविता जरूर जरूर जाऊंगा जाऊंगा कलकत्ता। कलकत्ता। तो मिर्ज़ा गालिब को तो मैं अपनी कविता का मस्तक मानता हूँ, तो मिर्ज़ा गालिब मुझे बहुत पसंद है। निराला की कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे मुक्तिबोध बहुत पसंद है, मुझे अज्ञेय भी बहुत पसंद है। मैं
उस बहस में नहीं जाना चाहता, आगे बढ़े कि मुक्तिबोध मुझे। उसके बाद केदारनाथ सिंह मुझे बहुत पसंद है। मुझे रघुवीर सहाय की भी कुछ कविताएं पसंद है। शमशेर बहादुर सिंह मुझे बहुत पसंद है। नागार्जुन की कविताएं भी मुझे पसंद है। अभी हम लोग कार्यक्रम होने से ठीक पहले पढ़ रहे थे, आलोक धनवा की कविताएं मुझे बहुत पसंद है। आप कह सकते हैं कुछ नाम छूट जाएंगे, मतलब इसमें जी जी हैं लोग। राजेश जोशी की कविताएं भी मुझे पसंद है। अरुण कमल की भी कुछ कविताएं मुझे पसंद। जो भी मुझसे बिल्कुल पहले आए उन्होंने हिंदी कविता में बहुत कुछ जोड़ा है। मैं किसी आग्रह या दुराग्रह के कारण कुछ नाम लेकर कुछ नाम नहीं छोड़ना था। ये लोग मेरे पसंदीदा लोग हैं, लेकिन सर्वाधिक जिनसे मैंने सीखा वो तो केदारनाथ सिंह ही है। केदारनाथ सिंह मेरे गुरु रहे, मतलब अभिधा में भी गुरु रहे और व्यंजना में भी गुरु रहे। मैंने उनकी कक्षाओं में बैठकर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी कक्षाओं में उनका विद्यार्थी रहा। और कविता के, मतलब एक कवि के रूप में भी मैं उनकी कविता की जो पाठशाला है उसे सीखता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि केदार जी की कविताएं सिखाती हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं से मैंने बहुत सीखा है। जी सर वो मुझे लगता है कि ये ऐसी हैं, मतलब कविताएं जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब मुझे बहुत पसंद है। मिर्ज़ा गालिब, केदारनाथ सिंह, मीर तकी जी जी मीर भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है। विजयदेव नारायण शाही की भी कुछ कविताएं मुझे बहुत पसंद है। जी जी जैसा कि आपने सर अभी जो जिक्र किया कि जरूर जाऊंगा कलकत्ता, और मुझे याद है कि वर्ष 2005 का भारत भूषण अग्रवाल सम्मान उन दिनों वो जो कविता तद्भव में छपी थी अक्टूबर के अंक में, तब उसको लेकर इस कविता को लेकर आपको पुरस्कृत किया गया, और इस कविता के शीर्षक को लेकर हमेशा कुछ लोगों को यह आभास भी हुआ कि आपने जो कलकत्ता की यात्रा की है उसको लेकर एक कविता होगी शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्जा गालिब की जो यात्रा रही है कलकत्ते की, तो उसकी जो पूरी स्मृति के साथ एक यात्रा आपने की है, जैसे कि आदरणीय केदारनाथ सिंह जी ने भी लिखा है कि ये जो जरूर जाऊंगा कलकत्ता, ये पूरी कविता इस स्मृति के साथ की जाने वाली एक सृजना है, और वो एक सृजनात्मक यात्रा भी है जो आपकी सृजन प्रक्रिया को बार बार आगे बढ़ाती रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर जाऊंगा कलकत्ता, ये कविता आप हमारे पाठकों के लिए पढ़ें। जी अवश्य श्रीउदत्त। और मेरे मित्र मृत्युंजय प्रभाकर इस समय कलकत्ते के पास शांति निकेतन में हैं। जी जी सर और बड़ी सुंदर जगह है शांति निकेतन, वहाँ हैं। तो कलकत्ता पर तो कविता बनती है कि कलकत्ते के बारे में ये कविता पढ़ी जाए। जरूर जाऊंगा कलकत्ता, अभी और कितनी दूर है कलकत्ता, वही कलकत्ता जहाँ पहुंचे थे कभी अपने मिर्जा गालिब, और लौटे थे जहन में आधुनिकता लेकर। और लौटे थे जहन में आधुनिकता लेकर, मैंने कितनी कितनी बार दोहराया है वह शेर किसी सबक की तरह, जिसमें दुविधा के बीच जीवन की राह तलाशता है शायर। जिसमें दुविधा के बीच जीवन की राह तलाशता है शायर। वहां सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं, वहां सवाल धर्मी और विधर्मी का नहीं, वहां सवाल एक नई रोशनी का है। वहां क्या सवाल बात एक है नई रोशनी का है, वहां सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं, वहां सवाल धर्मी और विधर्मी का नहीं, वहां सवाल एक नई रोशनी का है। गालिब की यात्रा के सैकड़ों साल बाद मैं हिंदी का एक अदना सा कवि जा रहा हूं कलकत्ता। मन में गहरी बेचैनी है, इधर बदल गए हैं हमारे शहर, वहां अदृश्य हो रहे हैं आत्मा के वृक्ष। अब वहां कोई आंधी नहीं आती जो उड़ा दे भ्रम की चादर। अब क्या वहां बात कोई आंधी नहीं आती जो उड़ा दे भ्रम की चादर। यह जादुई विज्ञापनों का समय है, यह विस्मरण का समय है। यह जादुई विज्ञापनों का समय है, यह विस्मरण का समय है। इस समय रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा हो गया है। इस समय रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा हो गया है। हमारे शहर बदल गए हैं, कलकत्ता भी बदल गया होगा, पर अभी कितनी दूर है वह। बैठे बैठे पिरा रही है कमर, बढ़ती जा रही है हसरत। कितना समय लगा होगा गालिब को वहां पहुंचने में, महज देह नहीं
आत्मा भी दुखी होगी उनकी, महज देह नहीं आत्मा भी दुखी होगी उनकी। उनके लिए कलकत्ता महज एक शहर नहीं था, उनकी यात्रा किसी सैलानी की यात्रा न थी। जब हम देखते हैं किसी शहर को, जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि को, कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि को, उसके आंसुओं को, उसकी उदासी को, उसके दुख को। जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। कलकत्ते ने भी देखा होगा हमारे महाकवि को, उसके आंसुओं को, उसकी उदासी को, उसके दुख को। क्या कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि की आत्मा को, उसके भीतर बहती अजस्र कविता को। मैं कलकत्ते में कैसे पहचानूंगा उस पत्थर को, जिस पर समय से दो हाथ करता कुछ पल सुस्ताने के लिए बैठा होगा हमारी कविता का मस्तक, रेखते का वह उस्ताद। हमारी कविता का मस्तक, रेखते का वह उस्ताद। मैं जी भर देखना चाहता हूँ कलकत्ता, इसलिए चाहे जितना पिराए कमर, चाहे जितनी सताए थकान, मैं लौटूंगा नहीं दिल्ली, जरूर जाऊंगा कलकत्ता। तो ये कविता मिर्जा गालिब को भावांजलि की तरह या काव्यांजलि की तरह कह सकते हैं कि बिल्कुल सर, बिल्कुल हिंदी के मेरे जैसे साधारण कवि जी, द्वारा एक काव्यांजलि है, कोशिश की थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक ध्वन्यात्मकता की इस कविता में जो पहल आपने किया और जो संवाद स्थापित करने की और पुरखों के साथ एक रिश्ता बनाने की आपने पहल की है, बेहतरीन कविता है ये। सर मुझे याद है कि जब आपका पहला कविता संग्रह आया था और वह जो इन दिनों हलचल से आपका जो सफर शुरू हुआ, तो जब नए नए साहित्य के क्षेत्र में कुछ कवि वगैरह लोग आते हैं, साहित्यकार आते हैं, और जब उनका पहला कविता संग्रह या पहली कहानी या पहली रचना प्रकाशित होती है, तो हर कोई एक अलग तरह की अनुभूति महसूस करता है। तो आपका जब पहला कविता संग्रह आया था, तो उस कविता संग्रह को लेकर आपने क्या महसूस किया और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आई वो किस तरह की रही और उससे आपने कहा और क्या दिशा तय की? ये बहुत अच्छी बात की आपने शिवदत्त। आजकल तो बड़ा सुखद है, बहुत अच्छी स्थितियां हो गई हैं कि लोग कुछ दिन कविताएं लिखते हैं और संग्रह आ जाता है। सन 2000 तक ये स्थितियां नहीं थी। लोग 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष लिख लेते थे तो संग्रह आता था। तो इन दिनों हालचाल नाम का जो मेरा संग्रह है, ये आरंभिक रूप में इलाहाबाद की एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका कथ्य रूप की पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। जी, जी 26 सर, कविताओं का यह संग्रह था उस समय। और निश्चित तौर पर क्या उदाहरण दूं, मतलब आप उस सुख को शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं जो जी सुख सर, उस पतली सी पुस्तिका को, अगर कोई देखना चाहे तो वो मेरे पास है, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये पतली सी पुस्तिका इन दिनों हालचाल जी तब आई जी थी और 26 कविताएं इसमें थी। बाद में यह सन 2000 में पुस्तकाकार हुई, उसी दौर की और कविताओं को मिलाकर जो मतलब असंकलित थी, फिर ये पूरी पूरी तरह एक मतलब मुकम्मल संग्रह 2011 में हुआ। लेकिन पहला संग्रह तो यही था और लोगों ने भी इसको बहुत एक तरह से कहते हैं इसका स्वागत किया। मेरी आरंभिक पहचान पत्र पत्रिकाओं में छपी गुर्रा नदी सोन चिरई जैसी कविताओं ने तो बनाई थी, लेकिन इस जी पुस्तिका ने उस पहचान को एक तरह से कह सकते हैं कि उस पहचान पे मोहर लगाई, लोगों को आश्वस्त किया इस पुस्तिका की कविताओं ने। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला जब इस पर चर्चाएं हुई, लोगों ने बात की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आईं जो अग्रज कवियों आलोचकों के द्वारा आईं, तो मुझमें भी बहुत कुछ जुड़ा नया। तो निश्चित तौर पर जी उस सुख को तो शब्द नहीं दे सकता मैं जो प्रसन्नता हुई उस दौर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी अभी आपने जिक्र किया सोनचिरई कविता का, और जी हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले, हिंदी कविता को पढ़ने वाले इस कविता को अपने जहन में रखे हुए हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे यह लगता है कि यह जो सोनचिरई कविता है, इसको लेकर बीच में
नलिन रंजन सिंह जी ने भी एक सुंदर टिप्पणी की थी कि 90 के बाद की कविताओं का आरंभिक प्रस्थान बिंदु भी हो सकती है, और एक नया विचार लेकर ये कविता आती है। और जिन दिनों मुक्तिकामी चिंतन का कुछ इस तरह से असर नहीं था, उन दिनों आपकी ये जो कविता है वह एक बेहतरीन नया विमर्श रचती है, नई नए तरीके से संवाद स्थापित करती है। विशेष तौर पर ये जो स्वचिरई कविता है, संप्रेषणीयता, लोकप्रियता और संवादात्मकता की दृष्टि से एक विशेष महत्व रखती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्वचिरई कविता का पाठ हो जाए। बहुत शुक्रिया शिवदत्त। ये कविता जब मैंने लिखी थी तो मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। 1995 में ये कविता लिखी गई थी और 1998 में पहल 59 में जी सर, ये प्रमुखता के साथ एकदम कवर पेज के साथ छपी थी। 5 पृष्ठ छपी की लंबी कविता। उसके बाद अशोक भौमिक जैसे बड़े चित्रकार ने उसी दौर में इस पर पेंटिंग बनाई। जबलपुर की एक संस्था है, उन लोगों ने इसकी कई नाट्य प्रस्तुतियां की, जी कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी। और आप ठीक कह रहे थे कि एक तरह से मेरी पहचान के साथ ये जुड़ी हुई कविता है। इस कविता को लेकर बहसें भी हुई, विवाद भी हुए। कुछ लोगों ने अपने ढंग से इस कविता को पढ़ा। उन विवादों से भी मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, अगर उसका स्वर स्वस्थ रहे तो। लेकिन एक बड़ी संख्या जी है हिंदी कविता में आलोचकों की, कवियों की, काव्य प्रेमियों की, जिन्हें ये कविता अपनी कविता जैसी लगती है। और एक कवि के रूप जी में हिंदी में ही नहीं सर, बल्कि अन्य जो भारतीय भाषा है, मतलब मैं इधर महाराष्ट्र जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ पर भी यह कविता लोगों के जुबान पर होती है और वो हमेशा इसको याद करते हैं। तो ये एक तरह से भारतीयता को जोड़ने वाली यह कविता है, तो उस दृष्टि से भी इसको देखा जाता है। एक कवि के लिए इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है कि उसकी कविता को लोग अपनी कविता जैसा प्यार करने लगें, अपनी रचना जैसा प्यार करने लगें। एक कवि के लिए इससे अधिक सुख क्या हो सकता है। तो सोन चिरई यह एक सोहर पर आधारित कविता है। मूल रूप से इसकी प्रेरणा जो है वो एक सोहर है कि सासु मोरी कहेली बझनिया, ननद ब्रजबासिन हो, मैया जिनके में बारी बियाही, उहे घर में तारिणी। बचपन से मैं इस सोहर को सुनता था, भोजपुरी लोक से आता हूँ। लगभग इस तरह से मिलते जुलते सोहर आपको जो मतलब हिंदी प्रदेश है वहाँ हर जगह उसकी हर भाषा में मिल जाएंगे। आपको अवधी में भी मिल जाएगा, ब्रज में भी मिल जाएगा, शायद आपको बज्जिका में, मगही में, सब में मिल जाएगा आपको। मैथिली में मिलते जुलते स्वर का तो ये जो सोहर है उस पर थी कविता। सुनाता हूँ मैं आपको सोन चिरई। बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे, वह चलती थी तो बदन की हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं, और जैसा कि हर किस्से में होता है उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था, उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी, ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला, ननद कहने पुरस्कार लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली, उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले, वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो बांझ हो जाऊंगी। जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती,
वहां से सांप की भाभी के पास पहुंची, भाभी से नागिन निकली, नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊं, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ई बहुत उदास हुई, सोन चिड़ई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची, माँ ने धधा कर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिड़ई क्या करे, अब सोन चिड़ई क्या करती, उसने धरती से निवेदन किया, तुम्हें शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता, जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके उसारे में भी जगह न बची मेरे लिए, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है लेकिन मैं क्या करूं, धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी बंजर, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है, वह किसी किस्से में नहीं है, हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिड़ई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर प्यास, तीसरे दिन तीसरे पहर प्यास से बेहाल एक युवक नदी तट पर आ मिला। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिड़ई को देखा, सोन चिड़ई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिड़ई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया, और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ई पलछिन हिचकी फिर उसके साथ साथ हो ली, सोन चिड़ई पलछिन हिचकी फिर उसके साथ साथ हो ली, फिर उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी, वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती, वे रचती हैं, वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है, रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। तो ये कविता सोन चिड़ई है, और ये मैं मानता हूँ कि देखिए बायोलॉजिकल अर्थ में एक अलग अर्थ है मतलब बिल्कुल किसी का, लेकिन क्रिएशन सिर्फ संतान जनना नहीं होता है, स्त्रियां एक तरह से पूरी सृजित करती हैं, बच्चा संतान उसका एक पक्ष है, कोई स्त्री किसी स्त्री को बच्चा ना हो इसलिए आप उसको ये मान लें कि रचनात्मक नहीं रह गई, यह मतलब ये भयानक है। और इस कविता में तो खैर वो पक्ष ही नहीं है, दूसरा पक्ष है आपने सुना, तो ये सोहर मेरे दिल के बहुत, जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं हांट करता रहता था, चोट करता रहता था मेरे बिल्कुल मस्तिष्क पर, मेरे उस पर, क्योंकि सोहर सामान्य तौर पर जब घर में पुत्र पैदा होता है तो गाया जाता है, और ये सुना करके तमाम स्त्रियों को एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी कि देखो जिसको ये संतान नहीं हुई तो उसको इस तरह से निकाल देने का मामला बनता है, उसके रहने का कोई मामला, मुझे लगता था इसका प्रत्याख्यान बहुत जरूरी है, कोशिश की मैंने बिल्कुल कितना कर पाया नहीं कर पाया मैं नहीं जानता, लेकिन इसका सुख है कि ये कविता मेरी कविता नहीं रही, ये लोगों की कविता हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ये एक सुख है मेरा। बहुत ही। और ये
सही कहा आपने कि यह कविता लोगों की कविता रही है, एक तरह से सामाजिक जीवन के अंतर विरोध, वेदना, पीड़ा जो स्त्री अपने जीवन में सहती है, उससे एक सफर शुरू होता है और अंत में एक वो रचती है तो दुनिया है, इस तरह का जो एक सुंदर स्वप्न जो है वो उस कविता के माध्यम से हमारे सामने साकार होता है। सुंदर शब्द आया तो मुझे याद आया कि आपका ये कविता संग्रह असुंदर सुंदर जो जीवन को मतलब एक नई चेतना ग्रहण प्रेरणा देने वाला जीवन को संवारने की दृष्टि से लिखी गई उस तरह की कविता है। तो यह जो असुंदर सुंदर कविता संग्रह है, यह जब इसमें जो आपकी कविताएं है एक अलग तरह की पृष्ठभूमि वाली कविता है, तो उसको लेकर जो आपकी जीवन को देखने की जो दृष्टि है, जो भूमिका है, वह भूमिका किस तरह की रही है? शुदत्त, जो कविता मैंने कलकत्ता वाली पढ़ी, जरूर जाऊंगा कलकत्ता, वो उसी संग्रह में ये संकलित है, उसी संग्रह से उसी संकलित संग्रह है। में है। और असुंदर सुंदर नाम ही अपने आप में ये बताने के लिए है। आप देखेंगे कि असुंदर और सुंदर के बीच में कोई हाइफन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सुंदर का विशेषण है असुंदर। असुंदर और सुंदर के बीच हाइफन होता तो बात अलग हो जाती, उसका जी अर्थ सर, अलग हो जाता है। यहाँ पर सुंदर के विशेषण के तौर पर असुंदर हो गया। और मेरा ये मानना है कवि के रूप में कि सृष्टि में जो कुछ भी मतलब रचनात्मक है उसे असुंदर नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। असुंदर बिल्कुल है, सृष्टि में असुंदर चीजें हैं, जहां पर शोषण है शोषण असुंदर है, लेकिन मनुष्य असुंदर नहीं हो सकता। बिल्कुल कोई सर, मनुष्य असुंदर नहीं हो सकता, उसके रंग रूप से आप उसको असुंदर नहीं कह सकते, उसकी संपन्नता या विपन्नता से आप उसके उसकी सुंदरता को नहीं नाप सकते, न मन की सुंदरता को न तन की सुंदरता को। तो मेरा ये बराबर मन रहा की है कि सुंदरता, हमारा जो समाज है वो बहुत सारे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त समाज है। तो बिल्कुल ये एक मेरे मन में बराबर रहता था। तो जिस कविता के आधार पर इसका शीर्षक है, ये एक कविता भी है इसी नाम की, सुंदर सुंदर, बिल्कुल जो है सर, एक बहरे गूंगे हलवाहे के बारे में कविता है, जो बोल नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, लेकिन उसके भीतर कैसी गहरी मनुष्यता थी। और ये सच्ची कविता है, ये कोई कल्पना की कविता नहीं है, सचमुच बोधु नाम के जिस व्यक्ति पर यह कविता है वो थे, उनको मैंने देखा था काम करते हुए, और वो सब करते हुए ये कविता एक तरह से कह सकते हैं आपकी मतलब पूरी पूरी पूरा पूरा यथार्थ है। मैंने उनके जीवन बिल्कुल को कविता में ले लिया, और एक कवि को जिस तरह उसे कहना चाहिए बस वो मेरा है, उस कहने का ढंग मेरा है कि कैसे कहना चाहिए। शेष तो जो है वो बोधु का है। और मैं मानता हूं कि कोई श्रमिक, कोई श्रम करने वाला असुंदर नहीं होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली सर, ये कविता श्रम के सौंदर्य को स्थापित करने वाली कविता है। और आप देखेंगे कि असुंदर सुंदर में इस तरह की कविताएं अधिक हैं जो श्रम के सौंदर्य को स्थापित करती हैं। और जो आपने शुरू में लक्ष्य किया कि चूंकि मेरा मेरे जीवन का आरंभिक हिस्सा गांव में गुजरा, फिर पास के शहर गोरखपुर में गुजरा, और गोरखपुर मेरी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। सामान्यतः लोग यही कहते हैं कि मैं गोरखपुर का हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई आरंभिक, और फिर मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आ गया, फिर इधर आ गया। तो और गोरखपुर देवरिया सटे हुए हैं, आरंभिक दौर में गोरखपुर ही जिला था, उसी से अलग होके देवरिया बना, फिर देवरिया से अलग होके कुशीनगर बना, तो ये सब तो चलता रहता है ये चीजें। आज भी मेरी जड़ें गांव में हैं, आज भी मैं अब उस गति से तो नहीं जा पाता जिस गति से जाना चाहिए, लेकिन अब भी इतने समय के लिए भी जा पाता हूँ, मुझे ऊर्जा मिलती है, मेरा जीव द्रव्य कहीं वहीं है, मेरी चेतना उसी श्रम की संस्कृति में बनी हुई है, मेरी जो चेतना है वो वही ग्रामीण परिवेश में जो श्रम की संस्कृति थी उसने बनाया। देखिए गांव में बहुत सारी चीजें थी, वहां जातियां थी, जातियों के संघर्ष थे, तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन जो चीज मेरे अंतस्थल में आई, जो जिसने मेरे मन में जगह बनाई, मेरे दिमाग में जगह बनाई, जिस भी मात्रा में बना पाई, मैं कोई पूर्णता का दावा नहीं करता, मैं अपने पूरे विरेचन का दावा नहीं करता। बहुत सारी चीजें जीवन के अंत अंत तक चलती रहती हैं, जीवन जटिल है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो मैं लेकिन जितना भी मैं बदल पाया, हो पाया, ठीक हो पाया, वो वहाँ की श्रम की संस्कृति को है, और उसमें मेरे परिवार का बड़ा योगदान है, जिसने बराबर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई उठाई और बराबर वंचित लोगों
इस सहयोग की बात की। मेरे पिता लगातार ये करते रहे, मेरे नाना लगातार ये करते रहे, मेरी माँ और मेरी नानी लगातार। आपको याद होगा राम दुलारी एक कविता है जिसमें मैंने माँ के बहाने बहुत से बेहतरीन बात कविता है, की है, वो सच्ची कविता है, बिल्कुल सच्ची कविता है वो। बिल्कुल। तो मेरा संस्कार इस तरह हुआ, और मैं अगर नियतिवादी शब्द का प्रयोग करने को कहें तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने को कि अच्छा हुआ कि मैं कवि हुआ, कवि बिल्कुल हुआ सर, है? और शायद अगर ये सब नहीं मिलता तो मैं कवि ना होता। ये शुभ बहुत बहुत सुंदर बात कही सर आपने कि अच्छा हुआ मैं कवि हुआ। और एक कवि के लिए भोआयामी परिदृश्य भी रहा है, भोआयामी स्वप्न आपने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। मुझे याद आ रहा है कि आपका एक कविता संग्रह बिल्कुल तुम्हारी तरह भी शीर्षक से प्रकाशित जी, प्रेम हुआ। और जहाँ तक कविताओं का लगता है था। कि यह एक अपनी तरह की एक अनूठी सृजना है। इस कविता संग्रह में आपने प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, आस्था और न जाने कई सारे जीवन के जो तमाम पहलू है उसको लेकर, उसको उससे संपृक्त होकर कविताएं लिखी है। और यह भी बात है सर कि समकालीन कविता के बारे में यह चिंता बार बार जताई जाती है कि समकालीन कविता ने प्रेम संवेदना की उपेक्षा की गई है। अगर उस दृष्टि से मैं इस कविता संग्रह को देखता हूँ तो निस्संदेह जो प्रेम संवेदनाओं की जो अभिव्यक्ति है उसकी पूर्ति आपका यह कविता संग्रह करता है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल तुम्हारी तरह नेट में बात कोई खराबी करेंगे आ रही तो था। समकालीन कविता के लिए एक बिल्कुल तुम्हारी तरह कविता संग्रह को लेकर भी कुछ बात करेंगे तो समकालीन कविता में जो बिल्कुल प्रेम की बिल्कुल, उपेक्षा हुई है उसका भी पक्ष खुल जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहा शिवदत्त आपने कि एक समय आया साठोत्तरी कविता का दौर जिसे कहते हैं समकालीन कविता, कि लोग प्रेम कविताओं की उपेक्षा करने लगे। लोग ये मानते थे कि प्रेम कविताएं नहीं लिखनी चाहिए, या लिखते भी थे तो छपवाते नहीं थे। 8वें दशक तक ये चला, 9वें दशक तक ये चलता रहा। उस पूरे कालखंड में मुझे और कविताएं हो तो बस एक कविता याद आती है, ज्ञानेंद्र पति की ट्राम में याद, जो कविता है चेतना पारी कहाँ हो कैसी हो, अद्भुत कविता है वो। और मेरे मतलब ज्ञानेंद्र पति की और कविताएं मैंने बाद में पढ़ी, सब कुछ है, लेकिन जिस एक कविता के नाते वो मेरे स्मृति में बसे, वो चेतना पारी के लिए बसे, ट्राम में या एक याद के जी लिए बसे वो। तो मुझे लगता रहा, और मैं बराबर, मेरी कोशिश रही है कि अपने समय के मुहावरों को पकड़ कर कविता नहीं लिखनी चाहिए, उसके विपरीत भी चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने प्रेम कविताओं का यह संग्रह 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ से यह छपा था, और खूब लोकप्रिय हुआ ये, और गंभीरता से लोकप्रिय हुआ। मतलब ऐसा तो है नहीं, हम लोगों की प्रेम कविताएं एक वैचारिक आग्रह की भी कविताएं, वो कोई रीतिवादी किस्म की प्रेम कविताएं नहीं है, स्त्री को ऑब्जेक्ट मानने वाली प्रेम कविताएं नहीं, ये साहचर्य के सौंदर्य की प्रेम कविताएं हैं। ये प्रेम कविताएं साहचर्य से निकली हैं, साथ जी रात दिन रहते हुए निकली हैं, लड़ते झगड़ते प्रेम करते हुए निकली हैं, जीवन जीते हुए निकली हैं, किसी कल्पना में ये कविताएं नहीं लिखी हैं। और तो ये आया, और सुखद है कि आज भी लोग इस संग्रह को खरीदते हैं, पढ़ते हैं, और अगर सब ठीक रहा तो अगले वर्ष मेरी प्रेम कविताओं का एक और संग्रह आएगा, सूरज को अंगूठा आ गया, जिसमें ढेर सारी राजनीतिक और सांस्कृतिक कविताएं हैं। प्रेम कविताओं का एक और संग्रह आएगा, तो जी क्या इस संग्रह से कुछ पढ़ना है? क्या इस संग्रह से कुछ पढ़ें? नहीं कुछ और बातचीत करते ना हैं? सर, ये जो बिल्कुल उस बातचीत करते हाँ, हैं सर, आपने आलोचना कुछ डिस्कनेक्ट हो गया शिवदत्त आपका। शिवदत्त डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मृत्युंजय, तब तक इस बातचीत को हम लोग जारी रखें। हाँ, शिवदत्त आ गए। हाँ, आ गए शिवदत्त। नेट चला गया शिवदत्त आपका। हाँ, आपने नेट नेट में कुछ प्रॉब्लम एक हो रही जगह है। पर बहुत सुंदर वाक्य कहा है सर कि प्रत्येक कविता, जी जी सर, हाँ, प्रत्येक कविता आपने लिखा है कि प्रत्येक कविता उस सच को सामने लाती है जो दिख रहे सच के पीछे कहीं दबा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कविता ये काम शायद करती है। ये अच्छी कविता का गुण होता है कि अच्छी इंटरनेट को कुछ कविता, दिक्कत आ रही होगी।
हाँ बोल रहे आप हैं। आ रही आ रही, जी, आवाज आ रही, आ रही है। तो आपने कहा था कि जो दिख रहे हैं सच के पीछे दबा दिया जाता है। तो इस दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो मैं आपसे मतलब जानना चाहता हूँ कि विशेषकर एक कवि के रूप में कविता लिखने की पहली शर्त क्या होनी चाहिए? पहली शर्त तो यही होना होनी चाहिए कि आप अच्छे मनुष्य हो, आप मनुष्यों से प्रेम करते हो, बिल्कुल सर, और आपकी बिल्कुल राजनीति सर, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी समझ बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किनके लिए लिखना चाहते हैं। देखिए, हमारे वहाँ कवि भी हैं और कविता के कलाकार भी हैं। कवि और कविता के कलाकार में हमें फर्क करना चाहिए। कवि मनुष्यता का आग्रही, कविता के बिल्कुल सर, कलाकार उसको बेचते हैं, वो लाखों में बुक होते हैं, लाखों में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। चाहे वो कविता के कलाकार हैं, उनको शिल्प आता है, छंद आता है उनको, या वो कर लेते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उनको कवि कहना मुश्किल है, वो कविता के कलाकार हैं, ठीक है ना। कलाकार से मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि कला को साधा तो है उन्होंने, है, लेकिन वो उसका व्यापार करते हैं। जी तो कवि होने की शर्त यही है कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपना हृदय पक्ष और बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारा विवेक बहुत पारदर्शी होना चाहिए, जितना भी हो सके। धीरे धीरे होता है शोधन, एक दिन में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ बहुत सारी जटिल चीजें हमारे आसपास होती हैं, समाज की जो जटिल संरचना है वो हमारे पास होती है, सांस्कृतिक संरचना, हमको उन सबसे पार निकलना होता है। हमें जी उन सर, वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ बड़ा चेतस रूप में मिल जाता है, बहुत साफ साफ मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जी सर, जी सर, शर्त यही है कि आप मतलब कविता लिखने की शर्त यही है कि आप अच्छे मनुष्य हो, मनुष्य को, मनुष्यता को और सृष्टि को प्रेम करते हो, और आपकी बिल्कुल सर, राजनीति स्पष्ट हो, आपकी राजनीति स्पष्ट हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत सुंदर बात कही आपने कि मनुष्य होना जरूरी है। आलोचना के बारे में जब भी आप आलोचना लिखते हैं, आलोचना करते हैं, तो आपने इस बात को भी बार बार दोहराया है कि एक अच्छे कवि या आलोचक को मनुष्य होना जरूरी है। तो सर मैं देखता हूँ कि जो इस संदर्भ में आप जब विश्लेषण करते हैं तो बार बार आप उम्मीद और नए स्वप्नों को देखते हैं और एक अग्रगामी होने का बोध कराते हैं। तो कविता के क्षेत्र में जो आपने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है कि अग्रगामी होना और स्वप्नदर्शी होना जरूरी है, तो ये अग्रगामी का और स्वप्नदर्शिता इससे आप किस तरह से तात्पर्य रखते हैं? क्योंकि आपकी एक कविता है सुंदर, सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते बिल्कुल, हैं, तो उस कविता के सूरज संदर्भ में आप कुछ बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। को अंगूठा की वो पहली ही कविता है, तो पहले मैं वो कविता सुना देता हूँ, जी सर, जी पहले सर, मैं वो कविता सुना देता हूँ, फिर बात करता हूँ। और ये मेरी प्रिय कविता है, मतलब कवि को तो अपनी व्यक्ति को मतलब अपनी रचना तो अच्छी ही लगती है, लेकिन जी ये मेरी प्रिय कविता है। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। स्वप्न जी सर, पालना हाथी पालना नहीं होता, स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता, जो शौक रखते हैं चमचों, दलालों और गुलामों का, कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते, सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर, जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का, अरे गहरे दबाओं में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक, फिर लौटते नहीं सपने उन तक, सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती, उन्हें पसंद नहीं वे लोग, जो ललक कर आते हैं उनके पास फिर छुई मुई हो जाती है, जो ललक कर आते हैं उनके पास फिर छुई मुई हो जाते हैं, सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। जब मैं ये कहता हूँ शिवदत्त की अग्रगामी होना चाहिए कविता को, उसका मतलब यह है कि जो यथा स्थितियां हैं अगर हम उन्हीं का चित्रण कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल सर, यथा स्थिति को समझते हुए, जो आप कह रहे थे एक बात की कविता दिख रहे दृश्य के पीछे कहीं होती है, और बड़ा कवि वह होता है जो उसे रेखांकित कर देता है, रेखांकित करता तो ये जरूरी है हम सबके लिए। यही अग्रगामिता है कि जिसको सात पर्दों में छिपा दिया गया है,
उसको निकाल लिया जाए, जो कवि के लिए जरूरी है कि यदि कहीं शोषण को महिमामंडित किया जा रहा है तो उसका विरोध करे वो अपनी कविता के द्वारा, जैसे भी कर सकता है, क्योंकि शोषण का महिमामंडन नहीं हो सकता। कहीं अगर किसी दिमागी पिछड़ेपन का महिमामंडन हो रहा है तो कविता के लिए जरूरी है कि वो वहां विरोध करे। यही अग्रगामिता है कि हमारे पूर्वज जहां तक थे हमें उससे आगे जाना है। जीने के सलीके के बारे में भी, पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के बारे में भी, जो संरचना है भारत की, भारतीय समाज की भी, यहाँ पर भी या दुनिया के समाज की, उन संरचनाओं में भी मनुष्य धर्मी परिवर्तन की जरूरत होती है कि ताकि वही जो मृत्युंजय सबसे आरंभ में कह रहे थे, लोकतंत्र हर जगह होना चाहिए। यही अग्रगामिता है। बिल्कुल हम अपने जीवन में जितना लोकतंत्र स्थापित कर पाते हैं, हर रिश्ते के लिए, हर संबंध के लिए, समझिए कि हम उतने अधिक अग्रगामी हुए। और कविता को इसी अग्रगामिता को अभिव्यक्त करना होता है, चित्रित करना होता है। जो कविता इस अग्रगामिता को सही संदर्भों के साथ चित्रित कर लेती है, मुझे लगता है कि वो उल्लेखनीय कविता हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कविता के बारे में आपने बहुत सुंदर तरीके से बात बताई। मुझे याद आ रही है आपकी एक कविता, अपनों के मन का, जिस कविता में आपने आपकी भूमिका भी स्पष्ट की है। कविता मेरे सामने है, मैं आप कविता सुनाता हूँ कि सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ये जो आपकी भूमिका है उसे लोग नहीं, झूठ फरेब का, रुपया पैसा सोने चांदी का, मैं कवि हूँ जीवन के सपनों का, उजास भरी आंखों का, मैं कवि हूँ उन होठों का जिन्हें काट गई है चैती पुरवा, मैं कवि कवि हूँ उन कंधों का जो धस गए हैं बोझ उठाते, मैं कवि हूँ कवि उनका जिनको नहीं मयस्सर नींद रात भर, नहीं मयस्सर अन्न आत भर, मैं कवि हूँ, हाँ मैं कवि हूँ उन उदास खेतों के दुख का जिनको सींच रहे हैं आंखों के जल, मैं कवि हूँ उन हाथों का जो पड़े नहीं चुपचाप, जो नहीं काटते गला किसी का, जो बने ओठ है किसी फटी जेब का, मैं कवि हूँ, जी हाँ मैं कवि हूँ अपने मन का, अपनों के मन का। एक बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र को याद करते हुए, और उसमें आपने अपनी भूमिका भी रखी हुई है। कविता को लेकर आप हमेशा लगातार लेखन करते रहे। मुझे दूसरा पहलू भी आपका थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो उस पहलू को लेकर भी मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ कि आपने कविता के अलावा बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, और गीत आपने, मुझे याद है कि आपके बहुत से गीतों का मैं पहला श्रोता भी रहा हूँ, मैं रहा हूँ, शंभू भाई, अरुण भाई और बहुत सारे लोग रहे हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से गीत लिखते हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं। नया ज्ञानोदय का एक प्रेम विशेषांक प्रकाशित हुआ था, उसमें आपकी एक जेएनयू परिसर को लेकर एक सुंदर कहानी प्रकाशित हुई है, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां आपने लिखी हुई है, प्रकाशित होने की कगार पर है, भविष्य में शायद वो हम सब लोगों के लिए आए भी। कहानी को लेकर आपकी आलोचनात्मक पुस्तक भी है, उपन्यास की परिधि है, इस तरह की किताब भी आपकी प्रकाशित हुई है। तो कहानी के संदर्भ में आप जो रचना करते हैं, वो जिसको मतलब जिन तथ्यों को सामने लाना चाहते हैं, एक नया आख्यान रचते हैं, उसका मूल जीव द्रव्य क्या है? मुझे याद है कि जीव द्रव्य आपका, जीव द्रव्य उम्मीद, उजास, ये आपके बहुत प्रिय शब्द है, तो साहित्य के क्षेत्र में यह जीव द्रव्य शब्द स्थापित करने का श्रेय भी आपको ही जाता है। तो कहानी को लेकर हम लोगों को कुछ संवाद शुदत्त, कीजिए मैं जरूर। अपने को कहानीकार नहीं मानता। कहानियां लिखी हैं जी सर, मैंने, बोल, 7-8 कहानियां छपी भी हैं, कुछ और भविष्य में छप जाएंगी। कहानियां लिखता जी हूँ, सर, जी वो सर, अपने संतोष के लिए लिखता हूँ, अपने अपने मतलब कह सकते हैं कि लिख सकता हूँ कि हूँ तो मैं कवि ही, और थोड़ा बहुत बिल्कुल अगर हूँ तो आलोचक हूँ, मतलब कवि ही हूँ और कवि ही रहना चाहता हूँ, और उससे भी अधिक यदि एक अच्छा मनुष्य बन पाऊं तो वो रहना चाहता हूं, कि सब चीजें बिल्कुल सर, वही हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जो कहानियां लिखी हैं वो भी, या किसी भी कहानी का जो जीव द्रव्य है, ये बायोलॉजी का शब्द है, मतलब जूलॉजी का शब्द है ये जीव द्रव्य, अंग्रेजी में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो वहां से मैंने एक तरह से कह सकते हैं आपकी
जीव विज्ञान से इस शब्द को लिया है हिंदी आलोचना के लिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि इसे लोगों ने स्वीकार कर लिया, इस शब्द को, इस शब्द को लोगों बिल्कुल ने स्वीकार कर लिया और अच्छा लगता है। तो कहानी का भी जीव द्रव्य वही है जो कविता का है, जो आलोचना का है, कि हम कितने मनुष्य धर्मी, हम मनुष्यता की रक्षा और निर्वाह का जो मामला है, जो आचार्य शुक्ल भी कह गए थे कभी कविता के लिए, हाँ है ना, वो जी एक वही जीव द्रव्य होना चाहिए कि हम मनुष्यता की रक्षा कर पा रहे हैं कि नहीं। और मनुष्यता की रक्षा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है कि मनुष्यता की रक्षा क्या चीज है। मनुष्यता की रक्षा यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति से, उसके धर्म से, है ना, बिल्कुल उसके जेंडर से, मतलब उसके जी जी क्षेत्र से आप मूल्यांकित ना करें, बिल्कुल मूल्यांकित ना करें। हाँ, ये उसके मूल्यांकन का इकलौता आधार उसका मनुष्य होना और उसके कर्म होने चाहिए, जो काम, वो जो कृतित्व है उसका, समझ रहे हैं ना, वो बिल्कुल सर कृतित्व ही उसके मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। और मनुष्यता का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को, जो मृत्युंजय प्रभाकर कह रहे थे कि कोई गोरखपुर से चल के दिल्ली आ सकता है, कोई पटना से, कोई पुणे से, नागपुर और औरंगाबाद से आके कर सकता है, ये वही चीज है मनुष्यता, कि अन्य के लिए स्पेस हम तलाशते हैं कि नहीं तलाशते हैं, दूसरों के का मार्ग हमने बनाया कि नहीं बनाया, अपने बिल्कुल लिए तो सर तब मार्ग बनाते हैं। तो असली मनुष्यता यह है कि आप दूसरों के लिए मार्ग बनाएं, खासकर उनके लिए जो जानते ही नहीं कि मार्ग क्या है, जिनको जीवन ही ऐसे परिवेश में मिला है जहां कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ अंधेरा है, उनके लिए मार्ग बनाना, उनके लिए प्रकाश की किरणें तलाशना, ये मनुष्यता है। बिल्कुल मनुष्यता सर सिर्फ यह नहीं है कि आपने किसी को भोजन करा दिया, वो मनुष्यता का बहुत स्थूल रूप है। बिल्कुल मनुष्यता का सही रूप यही है कि जो अंधेरे में लोग हैं, जो सचमुच वंचित हैं, उनके लिए आप कुछ कर पाए तो मनुष्यता है। और अगर कहानियों में ये चीज आ रही है, ये कविता में आ रही है, और आलोचना में भी आ रही है, कला के किसी भी माध्यम में आ रही है, सिनेमा में, थिएटर में, पेंटिंग में, यही मनुष्यता है। बिल्कुल सर तो और मैं सोचता हूं कि हम लोग जो कवि हैं, हमें यही सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल किसी के काम आ सके कि नहीं आ सके। जी सर जी सर। बात रचना के जीव द्रव्य को लेकर आप हम लोग कर रहे हैं, मुझे मैं उस किताब को जानता हूँ, उसको पढ़ा भी हूँ और बहुत सारी रचनाएं उसमें आपके आलोचनात्मक लेख वगैरह उस रचना के जीव द्रव्य किताब में संकलित है। तो उस पुस्तक में मैंने एक नया पहलू भी आपके रचनात्मक और आलोचनात्मक विवेक का देखा है, सृजनात्मक जो आपकी परिधि है उसको जानने का प्रयास किया है। जैसे कि मुक्ति बोध ने एक साहित्य की डायरी लिखी थी, उसी तरह आपकी उस पुस्तक में डायरी के 24 नोट्स संकलित है, और जब उसको हम पढ़ते हैं तो एक रचनाकार के बतौर, एक आलोचक के बतौर, डायरी लिखना मतलब सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव लिखना नहीं होता है। तो एक आपने एक नया परिदृश्य मुक्तिबोध के बाद उन डायरियों के नोट्स में खोलने का प्रयास किया है, जिसमें स्वप्नदर्शिता और स्वप्नहीनता का द्वंद्व है, बहुत सारी चीजें हैं कि एक विलक्षण कथा संस्कार संसार की बात की है, धर्म राष्ट्रीयता और प्रेमचंद के लेखन को लेकर आपने बात की है। इसके अलावा आपने उसमें क्या कहेंगे कि निर्ममता और पितृसत्ता के संदर्भ में लिखा हुआ है, तो इस तरह के तमाम सारे पहलू है, संस्कृति की चिंता को लेकर आप डायरी लेखन करते रहे हैं। तो आपका जो यह डायरी लेखन का जो सिलसिला है और जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है उसको लेकर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो अच्छा हाँ रहेगा। हाँ शिवदत्त, इसमें भी जीव द्रव्य वाली किताब में भी डायरी के नोट्स हैं, और सर्जक का स्वप्न में भी डायरी से स्वप्न नोट्स हैं। जी और होता क्या है कि मैं जानता हूं हमेशा सर कि सृजक का स्वप्न आपने मतलब आप पहले ऐसे आलोचक है जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को वह पुस्तक जो है डेडिकेटेड की हुई है, उनको समर्पित है, तो बहुत सारे विद्यार्थी है। मैं मानता हूं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखता है। जी जिस शिक्षक को यह अहंकार हो कि वो सिखाता है, कुछ नहीं सिखा पाता। तो बिल्कुल बिल्कुल सर शिक्षक, अब आप भी शिक्षक हैं, तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों से सीखता है, अच्छा शिक्षक,
सीखता है अपने विद्यार्थियों से, और मैं भी अपने विद्यार्थियों से आप सब से सीखने की कोशिश मैंने की है, करता रहता हूँ। तो डायरी के नोट्स का हम देखिए क्या होता है कि कई चीज़ें हम लोग विचार करते हैं, कई बार कोई बिंदु आया उस पर विचार किया, कई बार कोई किताब हाथ लगती है उस पर विचार किया, उस पर हमने कुछ लिखा, अब उसको हम आलेख की शक्ल में हम नहीं लिखा मैंने, लेकिन मुझे लगा कि इस किताब पर बात होनी चाहिए, तो एक टिप्पणी हमने 2 पेज 4 पेज 5 पेज की लिखी। ये सब डायरी में इस तरह की चीजें आई, कभी कोई साहित्यिक सामाजिक मुद्दा आया, कभी कोई राजनीतिक मुद्दा आया, कभी कोई किताब आई, तो मुझे लगा कि एक आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें इन पर बात करनी चाहिए, और उसी का परिणाम है डायरी के नोट्स। मैं लिखता रहता हूँ, डायरी लिखता रहता हूँ, और उसमें कई तरह की चीजें होंगी, मतलब आप सामान्य डायरी भी आएगी, मैं दिनचर्या नहीं लिखता अपनी डायरियों में। आपने जी सर, मुखबोध का नाम लिया, वो तो हम लोगों के लिए आदर्श है, हम लोग कहाँ पहुँचते हैं मुखबोध के उजाले में, हम लोग हैं ना, हम लोग तो उनके उजाले में खड़े लोग हैं। मुक्तिबोध के बाद भी कई लोगों ने लिखा, राजेश जोशी के नोट्स हैं, अरुण कमल के हैं, उदय प्रकाश जी के हैं, तमाम हमारे अच्छे कवियों ने अच्छा गद्य भी लिखा है और अलग अलग नाम दिया है उसको। मैंने अलग से डायरी नहीं छपवाई, आलोचना की किताबों में ही, लेकिन दोनों मिला करके जिन 2 किताबों में मुझे लगता है 150 पृष्ठों से अधिक की सामग्री जो है वो 150 से बिल्कुल ज़्यादा ही पृष्ठ होंगे शायद, 200 पृष्ठों के आसपास की डायरी है, और आगे भी जब कोई किताब आएगी तो उसमें भी बहुत सारे नोट्स आएंगे मेरे, तो विचार करता रहता हूँ बिल्कुल सर, कितना कितना ठीक कितना नहीं ठीक कहना मुश्किल है, लेकिन जो सोचता हूँ उसे लिखता हूँ और शामिल कर लेता हूँ, मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं तो अपने को ठीक भी करता हूँ, जी सर, तो वो बिल्कुल मेरी सर, आलोचना का ही एक्सटेंशन है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेरे डायरी के नोट्स हैं वो मेरे आलोचक रूप का ही एक तरह से विस्तार है, कि बिल्कुल सर, जो लंबे आलेखों में नहीं कह पाया, मैं अलग से नहीं कह पाया, उन टिप्पणियों में मैंने वो बातें कही हैं। जी सर, आपकी कविताओं को लेकर भी इधर के दिनों में कमलेश वर्मा जी ने एक सुंदर रचना संपादित की है बिटिया शीर्षक से। ये बहुत अच्छा मैं जिक्र है, जानता हूं कि आपने बहुत सारी कविताएं बेटियों को केंद्र में रखकर लिखी हुई है, और मुझे आपका जो वाक्य है आपकी कविता में, एक सुंदर वाक्य है कि बिटिया सुबह की पहली किरण होती है, तो बेटियां वह हैं कहीं ना कहीं बार बार अपील करता है जिन दिनों बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों को मारा जा रहा है, और बच्ची की प्राप्ति के लिए बच्ची को लेकर बहुत सारे लोग असंवेदनशीलता दर्शा रहे हैं। तो ऐसे समय में यह जो अनूठा कविता संग्रह एक अलग प्रयोग के बतौर प्रकाशित हुआ है, तो इस कविता संग्रह को लेकर जो आपकी जो सृजनात्मकता है और वो जो ज्ञानात्मकता है, जो नई चेतना और कविता के परिधि के विस्तार की जो बात आपने रखी हुई है, तो उस कविता संग्रह को लेकर भी आप कुछ विचार रखिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और हमारे मेरे मित्र और इस समय के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक संपादक और कोशकार कमलेश वर्मा और उनकी पत्नी सुचिता वर्मा, जवाहरलाल जी नेहरू विश्वविद्यालय में के दिनों के हमारे मित्र हैं लोग, हम लोग आसपास के वर्षों में विद्यार्थी थे उस दौर में, उनसे मेरा कोई मेरी कोई बहुत निकटता नहीं थी, ये महज जी संयोग सर, हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दिनों में हमारी निकटता उस तरह नहीं थी, हम जानते थे एक दूसरे को थोड़ा बहुत, वो मेरे कुछ वर्ष बाद जेएनयू आए थे वो लोग, लेकिन कमलेश जी लगातार बहुत अच्छा काम करते रहे, और इस बीच उन्होंने मेरी कविताओं पर एक किताब संपादित करने की योजना बनाई, अब वो कर लिया है काम उन्होंने, उसी क्रम में उनको मेरे सभी संग्रहों से गुजरना पड़ा, वो गुजरे मेरे सभी संग्रहों से, मेरी कविताओं से, और उन्होंने ये लक्ष्य किया कि एक लंबी अवधि में, हालांकि वो कविताएं अब ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन उस समय 23 कविताएं मिल पाई जो बेटी केंद्रित कविताएं थीं, जी और ये मुझे शायद अपने मुंह से कहना चाहिए नहीं, लेकिन कमलेश जी ने इसको रेखांकित किया है कि हिंदी में लंबे कालखंड में किसी एक कवि के पास बेटी केंद्रित 23 कविताएं नहीं रही हैं, और ये बिल्कुल अलग अलग समयों में मैंने लिखी, ये एक संयोग है, सुखद संयोग है कि मैं 2 बेटियों का पिता भी हूँ, बिल्कुल सर, और मेरे जीवन में जो उजास है उसमें बेटियों का बहुत बड़ा
रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो सुचिता जी ने और कमलेश जी ने वो 23 कविताएं निकाली और उसका उन्होंने संग्रह संपादित किया, प्रकाशित किया, एक लंबी भूमिका लिखी, बाद में एक अलग से आलेख भी लिखा। और एक कवि के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, इससे अधिक सुख क्या है कि ये हिंदी में पहला संग्रह है जो बेटी केंद्रित कविताओं का संग्रह है। बेटी जी केंद्रित सर, कवि, स्त्री विषयक कविताओं के संग्रह हैं हिंदी में, लेकिन बेटी बिल्कुल केंद्रित सर, कविताओं का कोई संग्रह नहीं था। तो संग्रह नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ कमलेश वर्मा जी का, सुचिता जी का, कि जिस ओर लिखने के बाद भी मेरी दृष्टि नहीं गई, अलग अलग संग्रहों में वो कविताएं संकलित रहीं, लोगों ने पढ़ी और अलग अलग समयों पर लोगों ने रेखांकित भी किया बिल्कुल है इसे, आलोचकों ने मेरी बेटी केंद्रित कविताओं की बिल्कुल विशेषताओं को रेखांकित भी किया, लेकिन जब कमलेश जी ने उसको एक जगह कर दिया है तो जाहिर है कि बात अधिक निगाह में आ रही है लोगों के, लोग उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज हो गई और बहुत सुखद है ये। जी सर, क्यों बहुत सुंदर तरीके से आपने उस बेटियों संग्रह से से संबंध एक में लिखी कविता गई। आप सुना सकें तो बढ़िया होगा। मैं सुना देता हूं, बस एक वही मिनट वही में बेटियों मैं को लेकर आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, और मुझे बिल्कुल केदारनाथ सिंह जी की जो कविता आप हम लोगों को सुनाते थे उसी तर्ज पर आपने भी एक कविता लिखी है कि पहचानना जी हथेली की तरह, मैं तुम्हें पहचानता हूँ अपनी हथेली की तरह, तुम्हारे माथे पर उभर आई रेखाएं मेरे मेरे हाथ हाथ की की लकीरों लकी जैसी लकीरों दिखाई, जैसी दिखाई दिखती दिखती नहीं है। है मेरे हाथ। तो ठीक इस तरह की कविताएं हैं, तो बिटिया कविता संग्रह से ये कविता का पाठ किया। छोटी सी कविता पढ़ता हूँ मृत्युंजय जी, शिवदत्त जी, बेटियां कविता से। यह दिसंबर की पहली तारीख की ढल रही शाम है। यह दिसंबर की पहली तारीख की ढल रही शाम है। धूप चुपके से ठहर गई है नीम की पत्तियों पर। धूप चुपके से ठहर गई है नीम की पत्तियों पर। इस समय मन में उजास है, उसमें टपकता है शहद की तरह बेटियों का स्वर। बेटियां होती ही शहद हैं जो मिटा देती हैं आत्मा की सारी कड़वाहट। अभी कुछ पल बाद धूप सरक जाएगी आंचल की तरह पत्तियों से। पत्तियां अनंत काल तक नहीं रोक सकती धूप को, पर बेटियां नरम धूप की तरह बनी रहती हैं सदा पिता के संसार में। जितनी हंसी होती है बेटियों के अधर पर, जितनी हंसी होती है बेटियों के अधर पर, उतनी उदास होती है पिता के जीवन में। जो न हंसे बेटियां तो अंधेरे में खो जाते हैं, जो न हंसे बेटियां तो अंधेरे में खो जाते हैं पिता। तो ये एक बिल्कुल छोटी सी सर, कविता, एक छोटी सी कविता इस संग्रह बहुत की। सुंदर कविता आपने, आपने ठीक है बहुत जी, सुंदर तरीके से इस कविता को प्रस्तुत किया है सर। बहुत सारी रचना, आपकी आलोचना, आपके आलोचनात्मक लेख भी जो है बहुत सारे लेख स्त्रियां और इस तरह की जो बेटियां है उनको, मतलब जो युवा कवित्रियां है इनको लेकर आए हैं, नई भारत के पक्ष में हो या साहचर्या और समाज का नया सौंदर्य सौंदर्य शास्त्र जैसे लेख हो, या फिर समकालीन कविता की भारतीयता, समकालीन कविता की प्रतिबद्धता, विचारधारा का प्रश्न और कविता, या फिर नई तरह की जो शिल्पगत अवधारणाएं इसको लेकर भी आपने लगातार लेखन किया हुआ है। तो आपने जो जिस तरह की स्थापनाएं की है जिसमें विशेष तौर पर जो कविता के क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है, समकालीन कविता की दिशा निर्धारित करने के लिए विशेष महत्व रखती है, उसमें समकालीन कविता की भारतीयता, समकालीन कविता की प्रतिबद्धता और विचारधारा के प्रश्न तथा हिंदी कविता, इसको लेकर एक कुछ संक्षिप्त में आपकी अपनी ओर से बात है। ठीक संकेत किया है आपने। देखिए क्या है कि हिंदी में जब तमाम विमर्श आए तो जैसा होता है जब कोई नई चीज आती है तो उसका स्वागत भी होता है, उसका विरोध भी होता है। विचारधारा का मामला तो बहुत लंबे समय से हिंदी कविता में है। एक दौर था जब परिमल के लोगों और मार्क्सवादियों के बीच गहरी मतलब कहेंगे कि गहरा विवाद था उस समय। विवाद चल रहा था। रामविलास शर्मा जी, नामवर सिंह जी के निबंध उस दौर में, इतिहास और आलोचना में नामवर जी के, और आस्था और सौंदर्य में रामविलास जी के निबंध मिलेंगे। विजय देव नारायण शाही उधर से कर रहे थे, भारती जी उधर से, तमाम लोग थे उस तरफ, मलयज थे उस तरफ, वो लोग कर रहे थे।
तो विचारधारा का प्रश्न तो हिंदी कविता में बहुत मतलब जोर शोर से रहा। हालांकि धीरे धीरे उसकी गति मध्यम पड़ गई, लेकिन 80 के बाद में ये हुआ कि कुछ विमर्श आए हिंदी में, दलित विमर्श जी आया, स्त्री विमर्श आया, फिर आदिवासी विमर्श आया, फिर अल्पसंख्यकों को लेकर भी चर्चा हुई, अब पिछड़ा विमर्श भी पिछले दिनों उसकी एक पृष्ठभूमि बनी है, उसके लिए लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं, सूत्र तलाश रहे हैं। तो जब ये सब चीजें आई तो एक कवि के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी और आलोचक के रूप में भी मुझे ये लगा कि हमें देखना चाहिए कि वे बिंदु कौन हैं जहाँ सब में आवाजाही है, सब में आवाजाही है, जिनके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। तो जो साहचर्य के जी सौंदर्य की बात की आपने, वो स्त्री कविता पर बात करते हुए मैंने इस पद का प्रयोग किया था कि जो स्त्रीवाद, उस समय स्त्रीवाद शब्द लोग कम लोग प्रयोग करते थे, मैंने इसका प्रयोग किया। और साहचर्य का सौंदर्य शास्त्र, मैंने कहा कि ये कविताएं साहचर्य का नया सौंदर्य शास्त्र रचती। साहचर्य का नया सौंदर्य शास्त्र माने जो पितृसत्ता ने स्त्री पुरुष संबंधों के लिए बहुत सारे कायदे नियम चीजें तय कर रखी थी, उन सब का प्रत्याख्यान कर दिया स्त्री कविता ने, स्त्री कविता ने, या स्त्रियों के पक्ष में लिखी गई कविता ने। रघुवीर सहाय की कुछ कविताओं को आप इस तरह देख सकते हैं, केदारनाथ सिंह की कविताओं को आप देख सकते हैं, कई लोगों की कविताओं को आप देख सकते हैं। तो एक तरह से ये नया सौंदर्य शास्त्र था भारतीय पुरुषों के लिए कि स्त्रियों के साथ कैसे रहना चाहिए, परिवार में, समाज में, स्त्रियों का तो कैसे देखना चाहिए, इसको देखने का एक सर्वथा नया नजरिया स्त्री विमर्श से निकल करके आया, यही दलित विमर्श से निकल करके आया। वहां भी साहचर्य का सौंदर्य शास्त्र है। यह भारतीय समाज जो जातियों में जीने का अभ्यस्त रहा है, जो जातियों में पहचान देता और लेता रहा है, जी सर, हमें लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के बाद कम से कम यह तो होना चाहिए, वही जो मैं बार बार कह रहा था कि जातियों में मत तलाशिए सुख, जो राम दुलारी कविता में भी मैंने कहा, सुख जातियों में नहीं है, सुख तो प्रेम में है, बराबरी में है, मनुष्यता में है। तो दलित विमर्श ने भी ये काम किया, आदिवासी विमर्श ने भी ये काम किया कि समाज में साहचर्य के नए सौंदर्य शास्त्र की एक तरह से कह सकते हैं प्रस्तावना तैयार की है उन्होंने, कि जातियों को भूल कर, ऊंच नीच का ये जो आडंबर है, छद्म है, इसको भूल कर कैसे हम मनुष्य की तरह, मित्र की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह रह सकते हैं, तमाम उसमें मतलब छद्म को दलित विमर्श ने और स्त्री विमर्श ने और आदिवासी विमर्श ने जो तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक छद्म हैं उनको समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है, बड़ी जी भूमिका सर, निभाई। देखिए, अस्मिता मूलक विमर्शों की अपनी सीमाएं होती हैं, वो हैं, वो हैं, लेकिन यह भी जी सर, सही है, यह सही है कि इन्होंने रोशनी दी है। मैंने जिन आलेखों का आपने जिक्र किया, उन्हीं आलेखों में अपने उसी प्रिय शब्द के साथ मैंने कहा कि जो स्त्री कविता है, जो दलित कविता है, या साहित्य कहानी और उपन्यास को भी यहाँ पर साहित्य शब्द, मतलब कविता के बदले आप जो स्त्री साहित्य है, जो दलित साहित्य है, जो आदिवासी साहित्य है और जो पिछड़ा विमर्श से भी चीजें निकल करके आ रही हैं, ये सब नए भारत का जीव द्रव्य है। नया जी भारत इन्हीं के बीच से जो रसायन निकल रहा है, अगर उस रसायन को हम लोग आत्मसात कर लेंगे तो नया भारत बनेगा। नया भारत, हम मुहावरा इस्तेमाल करें नया भारत, और हम जातियों में ही सुख तलाशें, हम अपने ऊंच नीच में ही दुख मतलब सुख तलाशें, हम जो जेंडर के मतलब प्रश्न है स्त्री पुरुष के, उसके ऊंच नीच में ही सुख तलाशें, तो कोई नया भारत नहीं बनेगा। नया जी भारत तो तभी बनेगा जब हम महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन तमाम जो मतलब मुक्तिधर्मी जो हमारे महानायक रहे, ज्योतिबा फूले, मैं लोहिया जी का भी नाम लेना चाहता हूँ, मैं मतलब समाजवादियों का भी नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे कालखंड में आ गए हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक नई राह बनाने की जरूरत। मुझे महात्मा गांधी आजकल बार बार याद आते हैं। हम लोगों की जो आरंभिक ट्रेनिंग थी उसमें गांधी जी का मामला नहीं था, लेकिन मेरी एकदम आरंभिक ट्रेनिंग जो परिवार की थी वहां गांधी जी का महत्व तो बहुत था, लेकिन बाद में बिल्कुल जब हम आए तो नहीं, तो आज मुझे गांधी जी बहुत याद आते हैं, बाबा साहब बहुत याद आते हैं, और किसी खास राजनीतिक कारण से नहीं, वो उसी कारण कि
समाज में साहचर्य कैसे बनाया जाए। और जान लीजिए कि जिस दिन हम समाज में साहचर्य बना लेंगे ना, स्वाभाविक लोकतंत्र अपने आप आ जाएगा। जी मतलब बिल्कुल दोनों एक दूसरे, या स्वाभाविक लोकतंत्र आ जाए तो साहचर्य बन जाए, या साहचर्य बन जाए तो स्वाभाविक लोकतंत्र आ जाए। मैं अपनी आलोचना में भी इन्हीं चीजों को कहीं खोजने की कोशिश करता हूँ। इतना खोज पाया नहीं खोज पाया ये तो पाठक जानेंगे, लोग जानेंगे अपनी अपनी बात क्या है। लेकिन मैं खोजता यही हूं कि वो कौन से बिंदु मिलेंगे जो कविता और कहानी को तो उन्नत बनाते हैं, जो हमारे समाज को उन्नत बना देंगे, हमें रहना सिखा देंगे साथ साथ, कि हम किसी से मिलें तो उसकी जाति ना पता करें, हम जब किसी से मिलें तो स्त्री पुरुष के भेद के साथ ना मिलें, मतलब एक सम्मान का बोध हो हमारे भीतर। ये मतलब जी मेरा स्वप्न भी है, मैं चाहता हूँ, न जाने कब पूरा होगा। हमारे जैसे करोड़ों लोगों ने ये स्वप्न देखा, लेकिन दुनिया तो बदली है। महात्मा गांधी, बाबा साहब के कुछ सपने तो ठीक साकार हुए हैं, प्रेमचंद के कुछ सपने तो साकार हुए हैं, तो दुनिया बदलेगी शिवदत्त जी, जी ऐसा सर नहीं है ना। और शायद मैं बिल्कुल यही बिल्कुल तलाशने की कोशिश करता हूँ अपनी आलोचना में, कर जी सर पाया नहीं बहुत कर सुंदर पाया। सुंदर, और ये विचार भी बहुत जरूरी है सर। आपने उस तरह का कविता लेखन भी किया है कि दुनिया को बदलने के लिए विचारों और हौसलों की जरूरत होती है। जरूरत होती आपकी है, एक मगर कुछ नहीं कविता कविता करता। शीर्षक से ही आपकी एक कविता की कविता के कुछ तीन खंड है, उसमें आपने लिखा भी है कि आप लिखते हैं कि छिपाई नहीं जा सकती अच्छी कविताएं घरों के भीतर, आप तोड़कर सारे बंधन लाना उनको सड़क पर जिंदगी की तरह एक जरूरत है। और शायद कविता इस दुनिया को बदलने की और मनुष्य धर्मी होने की जरूरत को पूरा कर ही रही है। एक बात जो है सर कि समकालीन कविता में इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ग्रामीण किसान मजदूरों का वर्ग है, तो किसान जीवन के संदर्भ में भी आपने बहुत सारे खेतों का अस्वीकार जैसी कविताएं और अन्य तमाम सारी कविताएं लिखी है। 90 के बाद के बहुत सारे कवि किसान जीवन को लेकर कविताएं लिखते रहे, केदारनाथ जी की पूरी ऊर्जा उसमें आई हुई है, अरुण कमल जी की बहुत सारी कविताएं, ठीक उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने भी कुछ कविताएं लिखी है, तो किसान जीवन के संदर्भ में भी अपनी ओर से कुछ विचार रखिए। देखिए, किसान के साथ तो मैंने जब प्रेमचंद पर जो काम किया है उसमें भी मैंने किसान समस्या पर विचार किया है। और मुझे ये लगता है कि किसानों के साथ तो न्याय नहीं हुआ इस देश में, इस लोकतंत्र में। किसान जी सर अब भी भूखे पेट सोने को मजबूर है इस देश में। हाँ, जो सचमुच का किसान है, जो छोटा किसान है, वो अब बिल्कुल सर भी भूखे पेट सो रहा है। उसके बच्चों के बदन पे पूरे कपड़े नहीं हैं, परिवार में कपड़े नहीं हैं, अन्न नहीं है, दवा नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो हमें जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा नया भारत है, उसे इस पर विचार तो करना चाहिए कि जो अन्न उपजाता है हमारे लिए, चाहे हम किसी स्टोर से खरीद कर लाएं, किसान ने अगर न उपजाए तो कैसे मिलेगा वो। तो उन किसानों के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं, वास्तविक योजनाएं हमारी किसानों तक जानी चाहिए। क्योंकि किसानों जी के अधर पे अगर हंसी नहीं आएगी तो कोई नया भारत नहीं बनेगा, कोई नया बिल्कुल भारत सर नहीं बनेगा। हम लोगों की कविताएं भी सब शायद, अगर किसानों के अधर पे हंसी नहीं आती है तो ये कविताएं भी बस ऐसे ही रह जाएंगी, समझते हैं ना। बिल्कुल सर बात निकल करके नहीं आएगी और वो सब रहेगा। बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से तो आपने किसान जीवन के परिदृश्य को भी आपने उजागर किया है, और जहाँ तक मैंने आपकी कविताओं को देखा है तो और पढ़ा है, तो बहुत सारी कविताएं आपकी ऐसी है जो समकालीन समस्याओं को, समकालीन जीवन में उठने वाली जो भी चीजें हैं, चाहे लोग मतलब अफरा तफरी करते हुए या घपलेबाजी करते हुए देश से बाहर निकलकर भाग रहे ऐसे लोगों पर भी आपने कविताएं लिखी है, अपने तमाम सारे जीवन के विभिन्न जो पहलू है उसको लेकर भी कविताएं लिखी है, चुप्पी के समाजशास्त्र को लेकर आपने बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, या फिर धर्म की ध्वजाएं जो लथपथ है मासूमों के रक्त से, इस तरह की कविताएं लिखी है, किसी ईश्वर से अधिक विराट इस तरह की कविताएं भी आपकी आई हुई है, इसके अलावा लोकतंत्र का समकालीन प्रमेय और अन्य बहुत सारी कविताएं ऐसी है जो हमारे समय के परिदृश्य को उजागर करती है। एक बात ये भी है सर कि समकालीन दौर में भूमंडलीकरण का बहुत बड़ा दबाव रहा, वह
भूमंडलीकरण की जो उदारीकरण की नीतियां है, भूमंडलीकरण की जो पूरी की वैचारिकी है वो सामने आती रही है। ठीक ऐसे समय में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का लेखन भी आ रहा है, और वह लेखन भाषा और कलात्मकता के संदर्भ में भी एक अलग तरह की भूमिका रख रहा है। तो यह जो युवा पीढ़ी का लेखन आ रहा है, इसको लेकर आप किस तरह का सुझाव देंगे जो साहित्य का देखिए, भविष्य तय करेंगे? ऐसा है कि कभी भी युवाओं को सुझाव नहीं देना चाहिए। हम भी युवा रह चुके हैं नहीं तो सुझाव नहीं, मतलब एक दिशा तय हो कि विचारों से देखिए, विचारों क्या का है वहां कि पद बनता है। आप सुझाव कह लें, सीख कह लें, मित्रता कह लें, जो कुछ भी, देखिए मैंने बराबर कहा है कि जो लोग भी साहित्य की दुनिया में आ रहे हैं, मेरा मानना है कि उनकी राजनीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, उनका विवेक बहुत पारदर्शी होना चाहिए। जो आरंभ में मैंने बातें कहीं दोहरा रहा हूँ उसे, ठीक है ना। और निरंतर अपनी कैथारसिस जरूरी है, अपना विरेचन जरूरी है। आप भीतर से बहुत मतलब घृणित किस्म के विचार रखते हो और कविता में बहुत महान महान लिखते हो, तो जी आप धोखा कर रहे हैं कविता के साथ, बिल्कुल समाज के साथ, सबके साथ कर रहे हैं। तो युवा बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हम सब अभी कुछ ही दिन पहले तक युवा थे, अभी भी कुछ लोग हम लोगों को युवा कह ही देते हैं, हालांकि रहे नहीं युवा, लेकिन कुछ लोग युवा कह ही देते हैं। तो अभी हमारे तुरंत बाद जो लोग आए, आप सब लोग हैं जो युवा हैं सचमुच, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, हम लोगों से बेहतर लिख रहे हैं आप लोग। तो उसमें सीख देने जैसी कुछ भी नहीं है। और शुदत्त, मुझे लगता है समय हो रहा है, लंबा हो गया है, क्यों मृत्युंजय जी? हैं, जी सर हाँ जी नहीं ठीक है। हाँ एक जी तो मुझे लगता है कि मैं शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता जी पढूं और इस बातचीत को अंत किया जाए, है? मैं वही बात करने वाला था कि केदार जी की और शमशेर जी की एक कविता तो आप मैं पढ़िए। शमशेर तो बहादुर सिंह की जी एक कविता पढ़ता हूँ, लौट आओ धार। मुझे बहुत पसंद है ये कविता, लौट आओ धार। तो शायद आप लोगों को भी पसंद होगी ये कविता। जी जी और कुछ लोगों ने तो इसको गीत की तरह भी, नवगीत के कुछ लोग हैं, पांच जोड़ बांसुरी जैसी जो किताब आई है उसमें इसको लोग, हालांकि गीत है नहीं लेकिन इसकी जो लय है उसके आधार पे गीत कहा है। लौट आओ धार, टूट मत वो सांझ के पत्थर हृदय पर, मैं समय की एक लंबी आह, मौन लंबी आह। लौट आओ धार, टूट मत वो सांझ के पत्थर हृदय पर, मैं समय की एक लंबी आह, मौन लंबी आह। लौट आओ वो फूल की पंखड़ी फिर फूल, लौट आओ फूल की पंखड़ी फिर फूल में लग जाए, चूमता है धूल का फूल, कोई हाय कोई हाय। ये बहुत अच्छी कविता, बहुत अद्भुत कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, छोटी सी कविता है लेकिन कहीं एकदम मन को पकड़ लेती है। और मैं गुरुदेव केदारनाथ सिंह की वही कविता जिसका तुम आप जिक्र कर रहे थे, दो कविताएं मैं केदार जी की पढ़ता हूँ। एक तो जाना, बहुत छोटी सी कविता है, मैं जा रही हूं उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। और दूसरी कविता, उम्मीद पर ही खत्म करना चाहिए, आपने शुरू किया, मुझे लगता है कि उम्मीद हम लोगों का केंद्रीय क्या कह सकते हैं, मतलब हमारी सोच का केंद्रीय बिंदु उम्मीद को होना चाहिए। तो केदार केंद्रीय जी, शब्द है होना भी चाहिए हम जी सबका, जो हम लोग कहीं कुछ अपने को रचनात्मकता से जोड़े हुए हैं, बिना उम्मीद के तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना। चाहे जितना अंधेरा हो, प्रकाश के गीत तो जी गाए जाएंगे, प्रकाश के गीत तो हम गाएंगे। लोगों को सुनने वाह वालों को मैं हम लोगों को सुनने वालों को मैं ये भी बता दूं कि आपने एक बेहतरीन तरीके से उम्मीद पत्रिका का संपादन भी किया है, और उम्मीद शीर्षक से वो पत्रिका बहुत चर्चा के केंद्र में भी आई है, यहाँ तक कि वर्ल्ड बुक फेयर में भी उसको लेकर बहुत सारी वैचारिक भैंसें भी हुई है। हम लोग तो उम्मीद करेंगे, जरूर ही निकालेंगे, फिर एक निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम जी लोग। जी तो केदार जी जी जरूर की, एक महत्वपूर्ण शब्द है। केदार जी की छोटी सी कविता के साथ हम लोग इसका समाप्त करते हैं। हाथ उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तो ये 50 साल से पहले लिखी गई कविता आज भी लगता है जैसे हमारे अपने समय की कविता है। बहुत अच्छा लगा मृत्युंजय जी, शिवदत्त जी, और जो शहर है उसकी जो पूरी टीम है, जी
आप सब सर मैं लोगों के नाते। एक आग्रह आपसे ये भी करूंगा कि इधर के दिनों में आपने जो कविता का आरंभ किया था, और इधर बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बेहतरीन तरीके से जो कोरोना का उत्तर काल जो है इसमें जो अस्वस्थ दुनिया है उसको लेकर एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, और जो मनुष्य को अपने दुख दर्द से बाहर निकलकर अपनी पीड़ाओं से बाहर निकलकर नए भविष्य को तलाशने का संदेश देती है, तो उस कविता को पढ़ने का आग्रह मैं आपसे करता हूँ, और करते यह हैं आग्रह मैं आपकी इस कविता के साथ करता हूँ कि आपने लिखा है कि आप कविता गाई नहीं जाएगी सुनसान में बैठकर बल्कि लड़ाई जाएगी जिंदगी के दर्द से। अब कविता गाई बिल्कुल नहीं जाएगी सुनसान में बैठकर बल्कि लड़ाई जाएगी जिंदगी के दर्द से। वह समय आ गया है जब कविता अपने भीतर देखेगी एक नई दुनिया, और इस नई दुनिया की तलाश को लेकर आप जिस तरह से कविता लिख रहे उसी का अगला पड़ाव जो आपकी कोरोना काल में जो लिखी गई कविता है तो उस कविता का भी पाठ किया जाए। ये बहुत आरंभिक कविताएं हैं शिवदत्त, जिनको आप कह रहे हैं। उस समय जब मैंने कलम उठाई थी, उस दौर की कविताएं थी जो अभी आप पढ़ रहे थे। कोरोना और जीवन का हाईवे, वर्तमान का अतीत हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवन की, लेकिन अतीत का वर्तमान हो जाना कभी जादू होता है जीवन का, कभी अयाचित अतिथि जिसका स्वागत नहीं करता कोई। पत्ते गिर रहे हैं सूख कर, कभी जब आए थे पेड़ों पर पूरा मंजर भर गया था हरीतिमा से, अब टहनियां हैं नए की प्रत्याशा में। अब टहनियां हैं जी नए की सर प्रत्याशा में, कोरोना आया है जाएगा भी, विपत्तियां जाएगा और भी आपदाएं आती ही रही हैं मनुष्यों पर, सभ्यता पर। बहुत कुछ खोकर फिर खड़ा होता रहा है मनुष्य, कभी अतीत से सीखता कभी अतीत को छेड़ता। बड़ी जिजीविषा है मनुष्य में, देखिएगा कुछ दिनों बाद बच्चे हंसते हुए कहते मिलेंगे, ओम कोरोनाय नमः स्वाहा, ओम कोरोनाय नमः स्वाहा। और फिर चेहरे पर मुस्कान लिए सांस टान कर जीवन के हाईवे पर दौड़ पड़ेंगे पूरी सामर्थ्य से। और उन्हें इस तरह देखकर हकबकाया हुआ कोरोना थक कर बैठ जाएगा समय गृह के किसी अंधेरे कोने में। ये कविता ऐसे ही लिखी थी मैंने, जब बहुत नाउम्मीदी चल रही थी, और तो बहुत किसी बेहतरीन किसी बड़े उद्देश्य के साथ नहीं लिखी थी, बस लिख दी थी। हाँ, तो ये चीज है, जी तो सर, बहुत बहुत अच्छा लगा बेहतरीन मुझे। कविता है, बहुत बेहतरीन अब कविता है। बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि मैं कविता तुझे एक कुछ सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है, और कविता अंधेरे में रोशनी की तलाश भी होती है। आपकी ये जो कविता इसमें जो अंधेरे का ये जो दौर है यह निकल जाएगा, और निसंदेह हम लोग आश्वस्त है और हम लोगों में एक उम्मीद है, हम लोग स्वप्नदर्शी है कि कविता हम लोगों के लिए एक सुंदर जीवन की राह तलाशेगी और अंधेरे से बाहर निकलकर नई रोशनी की तलाश करेगी। आपने हम लोगों के बीच में उपस्थित रहते हुए सर बहुत बेहतरीन तरीके से संवाद स्थापित किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और धन्यवाद। मृत्युंजय जी का भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह के आयोजन में मुझ जैसे एक व्यक्ति मुझ जैसे मतलब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे मैं उस दिशा में हूँ मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय मृत्युंजय जी, जी, मृत्युंजय जी ऑफिशियली जो है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने हमारी तरफ से जो प्रस्ताव आपके पास आया था उसको स्वीकार किया, और शहर के पेज पे आना स्वीकार किया, अपनी बातें रखी, बहुत सारी कविताएं सुनाई और बहुत मजा आया। एक चीज जो मैं भूल गया था पहले शुरुआत करते हुए कि ये कार्यक्रम शहर जो है रिदम्स ऑफ राइम के साथ मिलकर आयोजित कर रहा है। बहुत अच्छा। रिदम्स ऑफ राइम चंडीगढ़ में अवस्थित एक ग्रुप है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है पोइट्री को लेकर, उनका मुख्य फोकस ही भारतीय पोइट्री है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और हम फिर दोबारा कभी मिलेंगे जल्द ही बिल्कुल इसकी बिल्कुल उम्मीद के बिल्कुल, साथ, फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।